हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। एक्सेल 2021 की छठी फॉर्मूला कैटेगरी है, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक फॉर्मूले के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज के बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में एवरेज इफ के बारे में बात किए थे, हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। तो एक है आपका एवरेज में ई नहीं लगा है, मतलब कि एवी डीएफ देव बोल सकते हैं। तो एवी देव हमने लगाया और हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो ये आपका एवरेज है। बट एवरेज जीरो क्यों आ रहा है? एवरेज जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल जो एवरेज आप लगाते हैं, तो यहाँ आपका पूरा का पूरा एवरेज दिखेगा, यहाँ 10 दिखेगा, और एक आपका एवरेज ए होता है, एवरेज ऑल। इसमें भी तो ऊपर जो जीरो क्यों आ रहा है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। उससे पहले इन इन दोनों का फर्क देखते हैं, एवरेज और एवरेज ए के फर्क देखते हैं। एवरेज तो नॉर्मली सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू है। जैसे यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 को डिवाइड कर दिया गया है, 130 को 10 से डिवाइड किया गया है, तो 10 आया होगा। सो 13 से। लेकिन जैसे मैं यहां पे ब्लैंक करता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्लैंक के जगह पे मैं ट्रू करता हूं, तो नीचे वाले में फर्क पड़ गया, ऊपर वाले में फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि नीचे जो है एवरेज ए जो है वो ट्रू को 1 समझ रहा है, इसलिए 9.3 करके आ रहा है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, 121 डिवाइड बाई 13 कर रहा है। जी हाँ, 121, 20 और एक ट्रू का, 121 को 13 से डिवाइड कर रहा है, जो कि रिजल्ट ही आ रहा है। तो एवरेज ए ट्रू एंड फॉल्स दोनों को कंसीडर करता है, और एवरेज ट्रू फॉर कंसीडर ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो स्टैंडर्ड एवी के बारे में बात करते हैं, एवी डी एफ के बारे में। तो बेसिकली ये नंबर बिल्कुल सब सेम था, इसलिए यहां पे जीरो आ रहा था। क्योंकि स्टैंडर्ड एवी आपका एडी और डीवी जो होता है, एवरेज ऑफ डेविएशन कहा जाता है, एवरेज ऑफ डेविएशंस। तो ये सबका पहले वो एवरेज निकालता है, तो इसका डेविएशन निकालता है, फिर डेविएशन को आप सलूट करता है, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, उसके बाद जो है ये आपका रिजल्ट शो करता है। तो यहां जब इसको हम ए डी वी करते हैं, ए डी एंड सॉरी ए वी ई डी, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, इसका 22 आपका रिजल्ट आता है, 22। तो इसने क्या किया, कैसे 22 कैसे आया? तो सबसे पहले इसने इसका निकाला के 3 पे, सबसे पहले एवरेज निकाला इसका, एवरेज। तो एवरेज जो आया 59 आया, उसके बाद सबका डेविएशन निकालेगा, मतलब कि बी 4 माइनस ये जो स्कोर है माइनस का एवरेज। और फिर इस पे इसने क्या किया, मैंने के 3 जो है हमारा वो फिक्स कर देता हूँ F4 से, और फिर नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं, इसमें प्लस माइनस आएगा, देन इसको करेगा आप स्लोट, एबीएस के फॉर्मूले से आप स्लोट करेगा, और फिर इसका एवरेज निकालेगा। जो कि 22.408 आया है। तो सेम कैलकुलेशन जो है, ये जो सेम कैलकुलेशन है वो सेम कैलकुलेशन यहां पे हो जाता है। तो इसके बाद एवरेज के बाद हम चलते हैं मैक्स और मिन के तरफ, मैक्स और मिन। रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब बात कर रहे हैं मैक्स और मिन के बारे में, जो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, मैं मैक्स का फॉर्मूला लगाता हूं, तो इसकी जो मैक्सिमम नंबर वो आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे मिन का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इसकी जो मिनिमम नंबर है वो आ जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला आता है मैक्स ए, जी हाँ मैक्स ए, जैसे एवरेज ए था उसी तरह से मैक्स ए, मैक्स ए क्या करता है, ट्रू फॉल्स को कंसीडर करता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा,
तो मैक्स ए का रिजल्ट 1 आया क्योंकि ट्रू को 1 लेगा और फॉल्स को 0 लेता है, फॉल्स को 0। तो अगर मैं मीन ए लगाता हूं तो मीन ए के अंदर में आपका वो 0 दिखाएगा, ट्रू फॉल्स को कंसिडर करता है। उसके बाद अगली टॉपिक में हम बात करते हैं काउंट की। तो हमारे पास काउंट का फॉर्मूला है जो कि किसी नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, लेकिन काउंट ए का फॉर्मूला है जो कि नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। उसके बाद हमारे पास काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला है जो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, सिर्फ ब्लैंक को, अगर इसके अंदर में कोई ब्लैंक है तो ब्लैंक काउंट करके देगा। हमने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया सी कॉलन को, जिसने काउंट करके दे दिया। उसके अलावा काउंट इफ और काउंट इफ की फॉर्मूला हमने पिछली क्लासेस में सीख ली है। अब हम बात करते हैं लार्ज। जैसे पास यहाँ पे सेल्स है, मुझे अगर मैं यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला जो कि मैं पिछली टॉपिक में पढ़ा, तो मैक्स आ जाता है 90। लेकिन मुझे देखना है कि 90 से छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, उससे छोटा क्या है, टॉप 5, टॉप 10, इस तरह का। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लार्ज का। लार्ज लार्ज फॉर्मूला में हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना डेटा और सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा लार्ज चाहिए। तो देखिए 90 आ गया और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग करते हैं, 39, 87, 85, 82, ये आपको आ गया। सेम हम यहाँ स्मॉल का फॉर्मूला लगाते हैं तो लोअर का दिख जाता है, इसको सिलेक्ट करते हैं और पहला सबसे छोटा 19, उससे बड़ा 19 है, उससे बड़ा 20 है। तो जो रिपीट होगा ना, तो यहाँ रिपीटेड भी आया, ऐसा नहीं कि 19 का 4 बार है तो एक दिखाएगा, यहाँ पे 4 दिखाया, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है रैंक। तो हमने मेरे पास रैंक था तो हम यहाँ से लार्ज में और स्मॉल में दोनों में हमने नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे नंबर रख लिखता हूं, जैसे मैं बोलता हूं कि 33 का इस पैटर्न पे क्या नंबर आएगा, तो उसके लिए हमारे पास रैंक का फॉर्मूला है। तो रैंक यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं। रैंक रैंक में हमने नंबर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया अपना रेफरेंस, और फिर ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब कि लार्ज वाले पैटर्न पे चाहिए या स्मॉल वाले पैटर्न पे चाहिए। तो मैं स्मॉल वाला पैटर्न सिलेक्ट किया तो 12वें नंबर पे, मतलब कि मैं 5 की जगह पे 12 डालूंगा, तो यहाँ पे देखिए 33 आ जाएगा। तो इसके बाद रैंक में अब कुछ और रैंक के फॉर्मूले आए, जैसे रैंक एवरेज, ये एवरेज के अकॉर्डिंग चलता है। तो हमने 33 लिया और रेफरेंस को यहाँ ले लिया और ऑर्डर मान लीजिए हम 1 असेंडिंग दे दिया, तो भी 12 आ रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ रिपीट होता है, यहाँ पे 12 को मैं जो है 33 को मैं 2-3 बार लिख दूंगा, तो यहाँ देखिए कि 11 आ गया, बट यहाँ पे पॉइंट्स में आएंगे। जब रिपीट होती है तब रैंक को रैंक एवरेज थोड़ा सा चेंज करता है। तो वापस रैंक यहाँ पे ई क्यू आता है। अब इसमें मैं यहाँ पे लेता हूँ 33 और हम यहाँ चले जाते हैं और यहाँ पे असेंडिंग करते हैं, तो यहाँ 11 आता है, तो इक्वल होता है मतलब यहाँ पे। अब बात करते हैं हम फोरकास्ट की। तो हमारे पास मान लीजिए मंथली है कि भाई यहाँ पे मंथ में हमारे पास ये मंथ 7 महीने का सेल दिया गया है, मैं यहाँ पे 8वें महीने का सेल चाहता हूँ, 8वें महीने का सेल चाहता हूँ, तो कैसे करूं। तो इसमें 2-3 फॉर्मूले, पहला है फोरकास्ट का फॉर्मूला। हम यहाँ पे फोरकास्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। फोरकास्ट फोरकास्ट में फॉर्मूला कौन सा चाहिए, तो मुझे चाहिए 8वें नंबर का, और यहाँ पे हमने बी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक्स में यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर लिया, एंटर, ये आपका 32 आ गया। इसमें एक चीज और आता है यहाँ पे कि फोरकास्ट फोरकास्ट में दूसरा आता है ईएसटी, एस्टिमेटेड, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्यूचर बेस एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल होता है और एस्टिमेटेड दिखाता है। तो ईएसटी, तो इसमें हमारा टारगेट डेट हमने यहाँ पे दे दिया 8, वैल्यूज हमारे पास ए रहा और ये हमारे पास टाइमलाइन ए रहा। सीजनली कुछ डालना है नहीं, इसे छोड़ देते हैं, इसे डालने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, रिजल्ट एन आया, रिजल्ट एन आया।
इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो एक हम और कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करके आपके होम के अंदर डेटा मेनू बार के अंदर आपके सामने फोरकास्ट सीट होता है, इस पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ पे मैं 12वें महीने तक का टोटल चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको सारे फॉर्मूले लग के आ जाएंगे जिसको आप समझ सकते हैं कि फोरकास्ट कैसे कर रहा है। तो ये आपका फोरकास्ट एस्टिमेटेड हो गया, ये आपका फोरकास्ट कॉन्फिडेंट हो गया, ये आपका फोरकास्ट एस्टिमेटेड कॉन्फिडेंट आ गया। तो इसमें एस्टिमेटेड में क्या किया इसने, इसमें यहाँ पे डेट को सेलेक्ट किया है और बी वैल्यूज को सेलेक्ट किया है, फिर यहाँ हमने टाइम लाइन को सेलेक्ट किए हैं, फिर ए 1-1 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे अपने फोरकास्ट में यहाँ पे लगाता हूँ फोरकास्ट, फोरकास्ट एस्टिमेटेड, और हमने टारगेट डेट डाल दिया, हमने यहाँ पे वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा और सीजन 1 है और यहाँ पे हमने बोल दिया कि ऑटोमेटिक देना है 1, एंटर आ गया, सॉरी ऊपर मंथ सेलेक्ट कर लिया, मंथ नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, 28 आ गया। ऐसे यहाँ पे कॉन्फिडेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ पे फोरकास्ट फोर्स कॉन्फिडेंट में आते हैं और यहाँ पे टारगेट डेट 8 हो गया हमारा, हमारी वैल्यूज ए आ गई, हमारा टाइम लाइन ए आ गया और फिर यहाँ पे आप 1,1,1 कर दीजिए, एंटर। A1 जो है वो दिक्कत हो गया, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्या लगा से। इसके बाद यहीं पे सेम आता है फोरकास्ट सीजनली, यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे टाइमलाइन को सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक और यहां देना होता है कि क्या देना है। तो मान लीजिए एवरेज के फॉर्मेट में हमने लगा दिया 1, एवरेज में तो कम आ रहा है, यहां पे 2 कर देता हूं, काउंट नहीं आ रहा है, मैक्सिमम सिर्फ कुछ प्रॉब्लम है। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।